नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94666-91540। आज के मुख्य समाचार। डिपो होल्डरों ने अपनी मांग को लेकर सोमवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डिपो होल्डरों ने BDPO विनय प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। प्रधान भीम सिंह, कृष्ण कुमार, राजकुमार, महेंद्र सोनी, सज्जन कुमार, पवन, सुरेंद्र, रोहतास, चिरंजीलाल, सत्य प्रकाश, दारा सिंह, सतबीर, ओम प्रकाश, राम भगत, सुरेश व सहदेव सहित अनेक डिपो होल्डरों ने अपनी मांगों को पूरे जोर से उठाते हुए प्रदर्शन किया। प्रधान भीम सिंह ने कहा कि डिपो में राशन वितरित करने के लिए आने वाले गेहूं में नमी होने के कारण गेहूं का वजन कम हो जाता है। डिपो पर गेहूं आने के करीब 15 दिन बाद वितरित की जाती है। इस दौरान करीब 1 से 2 किलो वजन कम हो जाता है, जिसका खामियाजा डिपो होल्डरों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों से सरकार काम ज्यादा लेती है, लेकिन उसका कमीशन बहुत कम है। प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में डिपो होल्डरों ने मासिक मानदेय लागू करने, कमीशन बढ़ाने, घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई राशन दुकान के माध्यम से करने, गेहूं की सप्लाई केवल जूट के बैग में करने सहित अनेक मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया। गांव ढाबी कला में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक आयोजित कर एक ग्राम कमेटी का गठन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बनवारी लाल जाखड़ ने की। इस दौरान ग्राम कमेटी में वजीर सिंह शाह को प्रधान, बनवारी लाल को व दलीप सिंह को उप प्रधान, अशोक कुमार को सचिव, मास्टर हनुमान सिंह कैशियर तथा सुरेंद्र जाखड़, सतबीर, राजेंद्र, बाल सिंह को सदस्य बनाया गया। मुख्य वक्ता कॉमरेड विष्णु शर्मा ने कहा कि अपने अधिकारों व हकों के तथा किसानों की अन्य समस्याओं को के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठित होकर अन्याय के खिलाफ मुकाबला किया जा सकता है, इसलिए ग्राम कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ढाबी कला में ग्राम कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति बनाते हुए घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 500 जिलों में वादा खिलाफी विरोधी सभा आयोजित करेगा। किसान आंदोलन की लंबित मांगों को लेकर 31 जुलाई को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। अग्निपथ योजना का पर्दाफाश करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 7 अगस्त से 14 अगस्त तक देश भर में जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित करेगा। आज़ादी की 75वीं जयंती पर 18-19-20 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का मोर्चा होगा और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। भट्टू कला पुलिस ने सट्टा खाईवाले के आरोप में 6450 रुपए की सट्टा राशि सहित एक युवक को काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भट्टू कला में एक युवक सरेआम सट्टे खाई कर रहा था, जिस पर पुलिस ने मौके पर छापा मारकर काबू किया। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम राजकुमार जरनेल बताया। पुलिस ने उक्त युवक से 6450 रुपए की सट्टा राशि भी बरामद कर धारा 13(a)(3)(67) जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। भट्टू हिसार मार्ग पर गांव केढाण के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टू कला में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रवा रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव केढाण निवासी भीम सिंह सोमवार को मोटरसाइकिल पर सवार होकर भट्टू कला से अपने गाँव केढाण जा रहा था। गाँव के समीप उसके मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गया, जिससे भीम सिंह घायल हो गया। इसकी सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया।